नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट होम ट्रिक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू प्याज की कड़ी। जनरली कड़ी बनती है पकोड़ों की, बट आज हम बनाएंगे आलू की कड़ी। उसके लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, आधा कप दही, 1 ग्लास खट्टी छाछ और 2 बड़े प्याज कटे हुए, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च कटी हुई और 1 प्याज का इस तरीके से उसको ग्रेट करके मैंने उसका ये पेस्ट बना के लिया है। और 3 मीडियम साइज के आलू, सॉल्ट टू टेस्ट और ये कुछ सूखे मसाले जैसे कि आपका रायदाना, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, जीरा, हींग, हल्दी, ओके, और कुछ ड्रॉप्स ऑफ, मतलब 1 स्पून ऑफ लेमन जूस। फर्स्ट हमने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें मैं डालूंगी ऑयल, लगभग 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाल दिया है इसमें, देख सकते हैं आप, 2 टेबलस्पून टू 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी हमारा ये हींग, अ पिंच ऑफ हींग, वन टेबल स्पून ऑफ जीरा, 1 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स, इस सबको मैं अपने इसमें ऑयल में डाल दूंगी। उसके बाद हमें चाहिए, अब मैं इसमें डालूंगी अपना ये चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज, गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। इसके साथ ही मैंने जो प्याज का इसको कद्दूकस करके जो मैंने इसका पेस्ट बनाया था ड्राई, उसमें इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। इन सबको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, मुझे इसे भूनना है जब तक कि प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और उसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि हल्का सा गोल्डनिश, बहुत हल्का सा। प्याज को भूनते समय ही अभी मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, जब हम आगे और चीजें डालेंगे तभी मैं सूखे मसाले इसमें ऐड करूंगी। जब तक हमारी प्याज हो रही है मैं इतने एक बाउल लेकर उसमें इसका घोल बनाऊंगी, जिसमें मैंने 1 कटोरी हमारा बेसन डाल दिया है और ये दही मैं ऐड करूंगी इसमें। स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपना दही इसमें ऐड करते हुए, दही के साथ ही मैं छाछ भी डालूंगी, सारा मैं एक साथ ही डालूंगी, अदरवाइज क्या इसमें गुठलियां बन जाएंगी। देखिए आप, ये मिक्स होने लगा है, साथ साथ में हम प्याज को भी अपने चलाते जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो ऊपर से प्याज कच्चा रह जाए और नीचे वाला प्याज सारा लग जाए। बेसन भी हमारा हो गया है, इसमें हमने अच्छी तरीके से मिक्स करा है कि कुछ लिया ना पड़ी हो। अब हम इसमें और मसाले, प्याज हमारा होने लगा है थोड़ा थोड़ा, अभी से हम आधा मिनट और पका लेंगे ताकि इसका मीठापन पूरा निकल जाए। इतने हम अपने बेसन के घोल में थोड़ी सी छाछ और मिलाएंगे, छाछ हमारी अभी बच रही है, वो छाछ भी हमें इसी में यूज करनी है, रुक के यूज करेंगे। थोड़ी सी ग्रीन चिली मैं इसमें डाल दूंगी ताकि इसमें माइल्ड सा फ्लेवर आ जाए, साथ ही मैं अपने इस बैटर में ऐड करूंगी नमक, मैंने लगभग 1.5 टेबल स्पून नमक इसमें डाल दिया है, देख सकते हैं। साथ में मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर,
हाफ टी स्पून रेड चिली एंड 1.5 स्पून धनिया पाउडर। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा यानी कि हाफ टेबल स्पून धनिया, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में मैं अपने टमाटोज डाल दूंगी, चॉप टमाटोज, और ये हरी मिर्च हमारी बारीक कटी हुई। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें अपने आलू भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब तक हमारे आलू पकेंगे तभी टमाटर भी हमारे गल जाएंगे। धनिया मुझे इसमें थोड़ा हल्दी कम लग रहा है, थोड़ा सा हल्दी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। लगभग हमने बाद में 1 टीस्पून हल्दी बाद में डाली है, और 1 टीस्पून हल्दी पहले हमने ली हुई है अपने घोल में। फ्लेम को लो करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अप्रॉक्स 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसे मैं मिक्स करूंगी और एक लिड से कवर कर दूंगी। अब मैंने अपनी गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है ताकि हमारे आलू इसमें गल जाएं। अब हम अपने बैटर को इसमें मिक्स कर लेंगे जो हमने मसाले इसके ऊपर डाले हुए थे। स्लोली स्लोली, कहीं वो बाहर ना आ जाए। इस तरीके से अगर आपको कुछ लम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसे स्पून से दबा के उन्हें ब्रेक कर दीजिए। बैटर रेडी है। इसे थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऐसे ही रखा रहने दूंगी। गैस के पास मैंने इसे रख दिया है और थोड़ी सी छाछ और इसमें मैं डालती रहूंगी ताकि हमें ये बैटर ना पतला चाहिए। अगर गाढ़ा बैटर होगा तो एकदम से लग जाएगा और अच्छी तरीके से कुक नहीं हो पाएगा। कुक करने के लिए हमें बैटर अच्छा खासा पतला चाहिए होता है। और अभी हम इसमें पानी भी बाद में और ऐड करेंगे। ये हमारी खट्टी दही का बैटर हो गया। आपके पास अगर दही ना हो तो आप सिर्फ छाछ में भी इस कढ़ी को बना सकते हैं, और छाछ ना हो तो सिर्फ दही में भी बना सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। अब हमारे आलू को पकने में इसमें लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक हम वेट करते हैं। अब हम अपने एक बार आलू को चेक कर लेंगे कि ये गले हैं नहीं या पानी इसमें है नहीं है। अभी तो फिलहाल ये नहीं गले हैं, पानी भी इसमें भरपूर है। इसे हम वापस लट को कवर कर देंगे। अब की बार में थोड़ी सी अपनी गैस को और तेज कर दिया है, ठीक है। अब हम वापस इसे 5 मिनट बाद एक बार चेक करेंगे। Okay, now time to check my potatoes. अब मैं इनको potatoes को देखूंगी कि कुक हो गए हैं। इस तरीके से इसको दबा के देखेंगे, ये ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। अभी लाइक हाफ डन कुक हुए हैं, बट इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अभी जब मैं इसमें ये कड़ी का घोल डालूंगी तो बाकी का रेस्ट तभी ये कुक हो जाएंगे। मैंने गैस को सिम कर दी है और अब मैं इसमें ये कड़ी का घोल ऐड करूंगी। इसको मिक्स कर देंगे हम इस तरीके से। और अब हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। इसी पैन में मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि जो हमारा इसमें बचा हुआ बेसन है और दही है वो निकल के बाहर आ जाएगा। अब इसे हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए लिड लगा के छोड़ देंगे सिम पे करके। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी पकने लगी है, तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। सब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। लेकिन मैंने इसमें आधा ग्लास पानी ऐड किया है। मैंने इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करा है और इसे स्लोली स्लोली मिक्स कर देंगे।
कड़ी अगर बहुत ज्यादा गाढ़ी होगी तो वो पक नहीं पाएगी। सी लाइक दिस। अब चाहे तो थोड़ा पानी और इसमें ऐड कर सकते हैं, हाफ ग्लास मोर पानी, यानी कि लगभग 1 गिलास पानी हम इसमें ऐड कर चुके हैं। वापस हम अपनी कढ़ी को सिम पे ही रहने देंगे और अभी पकेगी लगभग 5 से 7 मिनट और। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ी पक चुकी है, इसे पकने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, तो ये हमारी कढ़ी पक के पूरी तरीके से तैयार है। और अब हम इसमें हाफ चम्मच 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे और इसे मिक्सअप कर देंगे। आप इसमें इसका खट्टापन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ तो ज्यादा खट्टी खाई जाती है इसलिए मैं ज्यादा खट्टी बना रही हूँ। अदरवाइज आप लेमन जूस इज ट्रूली ऑप्शनल, डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। अब नाउ टाइम फॉर द प्लेटिंग एंड द तड़का। नाउ टाइम फॉर तड़का। उसके लिए मैंने तड़का पैन को गैस के ऊपर गर्म होने रख दिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ। जैसे मेरा देसी घी मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं ऐड करूंगी अ पिंच ऑफ हींग। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई और हाफ टी स्पून चिली पाउडर और लगभग 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तड़का इज रेडी। नाउ टाइम फॉर द प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए मैंने इस तरीके से एक प्लेट में अपने राइस को सेट कर लिया है और अब मैं कढ़ी इसमें डालूंगी।